पिछले दो महीने के दौरान दिल्ली NCR में बार बार आ रहे हैं भूकंप। लोगों में चर्चा है कि यह छोटे भूकंप किसी बड़ी आपदा की ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली अब नष्ट होने वाली है। अचंभे की बात तो यह है कि अर्थक्वेक का मामला तो दिल्ली हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से जानकारी मांगी है कि भूकंप से लड़ने के लिए उनका एक्शन प्लान क्या है। लगातार आ रहे भूकंप पर वैज्ञानिकों की भी अपनी अपनी राय है। कुछ वैज्ञानिक तर्क दे रहे हैं कि भूजल स्तर में लगातार आ रही गिरावट से धरती के भीतर स्थित फॉल्ट लाइनों का लोड असंतुलित हो रहा है, परंतु यह मात्र एक तर्क ही है। अगर दूसरे नजरिए से देखें तो भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां भूजल सूखता जा रहा है, परंतु वहां तो कोई भूकंप नहीं आ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि दिल्ली सोना फॉल्ट लाइन के ऊपर बसी हुई है और यह फॉल्ट लाइन इस समय काफी ज्यादा एक्टिव है। क्या आप चाय पीते हैं? अगर पीते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि चाय के ठंडे पड़ने पर ऊपरी सतह पर मलाई जम जाती है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी, परंतु समय गुजरने के साथ वह ठंडी होने लगी। इससे स्थल मंडल का निर्माण हुआ, लेकिन धरती का कोर हमेशा पिघला ही रहा। समय बीतने के साथ पृथ्वी पर हिमयुग आ गया। अब पृथ्वी का ऊपरी वातावरण बहुत ज्यादा ठंडा हो गया और अंदरूनी कोर गर्म रहा। नतीजा सतह पर दरारें बन गईं और ऊपरी सतह कई हिस्सों में टूट गईं, जिसे आज आप टेक्टोनिक प्लेट के नाम से जानते हैं। यह टेक्टोनिक प्लेट्स जहां पर जुड़ती हैं, उसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। धरती का कोर प्रेशर की वजह से हमेशा पिघला हुआ रहता है। यह लावा हमेशा घूमता रहता है और इसका दबाव टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी पड़ता है। जब इसका दबाव ज्यादा हो जाता है तो वह टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाने लगता है। नतीजा भूकंप, सुनामी या फिर ज्वालामुखी का फूटना। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, लेकिन हाल ही में हुए शोध में यह पता चला है कि पृथ्वी पर छोटी बड़ी मिलाकर कुल 159 प्लेट्स मौजूद हैं, और इन प्लेट्स के बनने का कारण पृथ्वी में हो रही हलचल और भूकंप ही हैं। अक्सर भूकंप के आने पर प्लेट्स में दरार बन जाती हैं, या फिर यह प्लेट्स टूटकर अलग हो जाती हैं। ऐसी ही एक फॉल्ट लाइन हमारी दिल्ली के नीचे भी मौजूद है और वह अभी पूरे गुस्से में है। IIT के प्रोफेसर मलिक ने एक खास जानकारी साझा की है। उनके अनुसार हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में जो टकराव हो रहा है, उससे उत्तराखंड में भूकंप आने का संकट मंडरा रहा है। दिल्ली के नीचे हो रही हलचल यह सबूत है कि जमीन के नीचे कुछ बड़ा होने वाला है। वैज्ञानिकों का दावा है कि उत्तराखंड में जो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 से लेकर 8 हो सकती है। IIT की एक रिसर्च टीम ने हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में 14 GPS स्टेशन बनाए हैं। चूंकि हिमालय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव जोन है, और तो और हिमालय की ऊंचाई भी हर साल लगातार बढ़ती रहती है, यहाँ से वैज्ञानिकों को पृथ्वी में हो रही मूवमेंट्स का पता चलेगा। अब बात करें दिल्ली की, तो जब तक छोटे भूकंप आते रहेंगे, तब तक धरती का प्रेशर रिलीज होता रहेगा। जो ही ये भूकंप आने रुके तो मान लीजिएगा कि एक बड़ा प्रेशर एरिया बन रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में 5 से लेकर 6.5 तक की तीव्रता का भूकंप आ सकता है, और इससे दिल्ली में बनी पुरानी इमारतों को नुकसान होने का खतरा सबसे ज्यादा है। हालांकि भूकंप कब आएगा इसका तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन आएगा जरूर, इसीलिए सावधानी रखना बेहद आवश्यक है।